नथिंग फोन 2A और नथिंग फोन 2A प्लस। फाइनली दोस्तों यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर आप लोगों को लेना चाहिए। यार देखो, अगर हम दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें तो नथिंग फोन 2A का जो 8GB 256GB वेरियंट है उसका प्राइस यहाँ पर जो है 26,000 निकल कर आता है, और नथिंग फोन 2A प्लस का जो 8GB 256GB वेरियंट है उसका प्राइस यहाँ पर 28,000 निकल कर आता है। यानी कि यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बीच में हमें 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो क्या 2,000 ज्यादा देके यहाँ पर नथिंग फोन 2A प्लस को लेना चाहिए या फिर 2000 बचा के नथिंग फोन 2A को लेना चाहिए? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों स्मार्टफोन के बीच में फुल्ली कंपेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन कौन से डिपार्टमेंट में बेस्ट है। और हाँ, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का सेम है, यानी कि यहाँ पर नथिंग फोन 2A का जो डिजाइन था वैसे ही डिजाइन यहाँ पर नथिंग फोन 2A प्लस में भी है। नथिंग फोन 2A में जितने भी पोर्ट्स जहां जहां देखने को मिलता है सेम जगह पर जो है हमें नथिंग फोन 2A प्लस में भी पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। पीछे ग्लिप लाइट भी देखने को मिल जाता है। हाँ, नथिंग फोन 2A प्लस में जो है पीछे अंदर की तरफ मेटल ऐड कर दिया गया है और साथ में दोस्तों बटन वगैरह आप लोगों को जो है मेटल का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन बिल्कुल सेम है, हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। डायमेंशन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट डायमेंशन भी सेम हमें देखने को मिल जाता है, हल्का सा यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। वेट के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन का वेट बिल्कुल यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में IP54 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, साथ में दोनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर डस्ट प्रूफ भी देखने को मिल जाता है। कलर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों नथिंग फोन 2A में हमें 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और ग्रे। और नथिंग फोन 2A प्लस में यहाँ पर 2 कलर देखने को मिल जाता है, ग्रे और ब्लैक। और कलर्स दोस्तों यहाँ पर जो है नथिंग फोन 2A प्लस में और भी कलर्स बाद में ऐड हो सकता है, जैसे कि नथिंग फोन 2A में हुआ था लॉन्च के टाइम में जो है 2 कलर में लॉन्च हुआ था और बाद में जो है और भी कलर ऐड कर दिया गया था, तो सेम यहाँ पर हो सकता है। तो जब होगा तब तो खैर पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो नथिंग फोन 2A में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 1300 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। नथिंग फोन 2A प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 1300 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और दोनों ही स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, कोई भी कंटेंट आप अगर कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम बेजल्स देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले में कोई भी हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो नथिंग फोन 2A में MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट हमें देखने को मिल जाता है, साथ में LPDDR4X RAM देखने को मिल जाता है, UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और नथिंग फोन 2A प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7350 Pro चिपसेट देखने को मिल जाता है, साथ में LPDDR4X RAM देखने को मिल जाता है, UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में GPU भी हमें सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रांड का ये कहना है कि जो नथिंग फोन 2A प्लस है उसका जो GPU है थोड़ा सा अपग्रेडेड है और साथ में दोनों स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज किया गया है वो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में हमें जो है SD कार्ड स्लॉट देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है और साथ में दोनों स्मार्टफोन में अप टू 8GB यहाँ पर वर्चुअल रैम देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दोस्तों नथिंग फोन 2A प्लस में बेटर चिपसेट दिया गया है, 10-15% यहाँ पर जो है बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को नथिंग फोन 2A प्लस में देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर एंड अपडेट के बारे में। तो नथिंग फोन 2A आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ आता है, साथ में यहाँ पर नथिंग OS देखने को मिल जाता है। और नथिंग फोन 2A प्लस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ आता है, साथ में यहाँ पर भी नथिंग OS देखने को मिल जाता है। और अपडेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में हमें 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और साथ ही साथ यहाँ पर 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में क्लीन UI देखने को मिल जाता है, कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह यहाँ पर हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपेंडेंट के बारे में। तो यहाँ पर नथिंग फोन 2A में यहाँ पर 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है, साथ में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नथिंग फोन 2A प्लस में 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों नथिंग फोन 2A प्लस में चार्जिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, बाकी जो बैटरी है दोनों स्मार्टफोन का सेम है, जो बैटरी बैकअप है वो भी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम देखने को हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर नैनो प्लस नैनो डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम 5G बैंड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नथिंग फोन 2A में Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है और NFC भी दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और नथिंग फोन 2A प्लस में जो है Wi-Fi यहाँ पर 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है और
यहाँ पर भी NFC सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों कनेक्टिविटी भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में, तो Nothing Phone 2A में स्टोरेज स्पीकर देखने को मिल जाता है, लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है और Nothing Phone 2A प्लस में भी यहाँ पर जो है स्टोरेज स्पीकर देखने को मिल जाता है, साथ में लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में Dolby Atmos का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है और साथ में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm जैक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। Nothing Phone 2A में 50MP प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर जो है 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है और Nothing Phone 2A प्लस में 50MP प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और साथ में 50MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन का जो रियर कैमरा है वो बिल्कुल सेम है। और क्वालिटी के बारे में बात करें तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्वालिटी में Nothing Phone 2A प्लस में जो है अपग्रेड हमें देखने को मिलता है और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है Nothing Phone 2A में 32MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और Nothing Phone 2A प्लस में यहाँ पर 50MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा में हमें अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिलता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो Nothing Phone 2A का फ्रंट कैमरा से यहाँ पर Full HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और Nothing Phone 2A प्लस का फ्रंट कैमरा से यहाँ पर जो है 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों हाँ, Nothing Phone 2A प्लस थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड हमें देखने को मिल जाता है कैमरे के मामले में। यहाँ पर जो है खास करके फ्रंट कैमरा में हमें अपग्रेड देखने को मिल जाता है, जो सेल्फीज वगैरह निकल कर आता है वो बेटर क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है Nothing Phone 2A प्लस। यही कुछ डिफरेंस दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। आप हम बात करते हैं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर आप लोगों को लेना चाहिए। वैसे यह जो टेबल है यह देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन कौन से डिपार्टमेंट में बेस्ट है। जी हाँ, यहाँ पर जो है Nothing Phone 2A प्लस थोड़ा सा अपग्रेडेड फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पर जो है हमें परफॉर्मेंस 10-15% बेटर देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट में जो है हमें अपग्रेड देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है और कैमरा डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपग्रेड हमें देखने को मिलता है, खास करके दोस्तों फ्रंट कैमरे में यहाँ पर जो है 50MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसीलिए जो है दोनों में से मैं Nothing Phone 2A प्लस को आपको सजेस्ट करूंगा। 2000 ज्यादा देके आप अगर Nothing Phone 2A प्लस को ले सकते हैं तो वो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी यार आप अपने हिसाब से देख लो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। और आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन क्यों लेना पसंद करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।